हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लक्ष्मी बबीता किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ आइसक्रीम की रेसिपी। ये काफ़ी आसान सी रेसिपी है। हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से इस आइसक्रीम को बनाकर तैयार किया है और बहुत जल्दी से झटपट से ये आइसक्रीम बन जाती है। आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, मार्केट में काफ़ी मात्रा में भर भर के आम आ रहे हैं, तो इस आइसक्रीम को हम आम से बनाएंगे और मार्केट से भी टेस्टी ये आम की आइसक्रीम बना के तैयार करेंगे। इसके लिए लिए हैं दो हमने पके हुए मीठे आम। ये मीठे आम लेने हैं आपको, ये ध्यान रखें। और इसको काट लिया है हमने, आप इसको छोटे बड़े पीसेज में कैसे भी कट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमें मिक्सी जार में पीसना है। दोनों आमों को इसी तरीके से टुकड़े करके रख लेंगे और अब इनको काट के रख देंगे साइड में। अब लेंगे हम एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हम दूध। ये एक गिलास भर के मैं फुल क्रीम दूध ले रही हूँ। ये भैंस का दूध है, आप गाय का भी ले सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम से क्या है, काफ़ी क्रीमी हमारी ये आइसक्रीम बनके तैयार होगी। ये एक गिलास पहले लिया, आधा गिलास बाद में ले लिया, टोटल डेढ़ गिलास दूध लिया है। आधा कटोरी लेंगे ये मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, इससे क्या है काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, क्रीमी सा टेस्ट आएगा। अब डालेंगे हम 5 चम्मच भर के इसमें चीनी। चीनी आम वैसे तो हमारा मीठा है, लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छा मीठा करने के लिए मैं 5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। तीसरी चीज़ डालेंगे इसमें हम कस्टर्ड पाउडर। ये 2 चम्मच भर के मैं कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। इससे क्या है, ये आइसक्रीम में हमारी काफ़ी अच्छी थिकनेस आएगी, बहुत अच्छी जम के तैयार होगी। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लावर का भी यूज कर सकते हैं। अभी इसको मैंने गैस पे नहीं रखा है। इन सारी चीज़ों को मिला के पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप गैस पे रख देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसको हमें ठंडे, मतलब कि ये नॉर्मल दूध लिया है, ना ही ठंडा ना गर्म, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने दूध को रख दिया है, इसको लगातार चलाते रहना है, इसको हमें इसको बंद नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है। ये देखिए 8-10 मिनट में ही ये अच्छे से थिक हो गया है, एकदम रबड़ी की फॉर्म में। अब गैस को कर देंगे बंद, उतना ही हमें चाहिए। अब ले लेते हैं एक मिक्सिंग जार, जो हमने आम को कट करके रखा था। दोनों आम को हम इसमें डाल देंगे, सारे पीसेस आम के इसमें डाल देंगे और एक इसमें अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। आम का कलर थोड़ा हल्का है, तो मैं इसमें हल्का सा फूड कलर, 1 पिंच के करीब इसमें फूड कलर ऐड करूँगी, जिससे अच्छा सा कलर आए। और पीस के तैयार कर लेंगे। देखिए एक बढ़िया सी फ्यूरी हमारी ये पीस के तैयार हो गई, कलर भी अच्छा आया है थोड़ा सा फूड कलर डालने से ही। अब जो हमने ये रबड़ी बना के तैयार की थी दूध की और ये मिल्क पाउडर की, ये भी ठंडी हो चुकी है। ये ध्यान रखें, जब ये पूरी तरह ठंडी हो जाए तभी इसे मिक्स करें। और जो हमने ये आम का पल्प बना के तैयार किया है, इसके साथ ये रबड़ी डाल देंगे। सारी रबड़ी को इसके साथ डाल के अब इसमें डालनी है एक हमें बहुत ज़रूरी चीज़, जिससे और भी ज़्यादा क्रीमी इसमें टेक्सचर आएगा। ये 2 चम्मच भर के मैं घर की मलाई ले रही हूँ, फ्रेश मलाई है ये, जो हमारा नॉर्मल दूध आता है उसी की मलाई है। इसकी जगह आप इसमें अमूल क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं इसे घर के ही इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ, तो इसमें हमने 2 चम्मच मलाई डाल के अब ढक्कन बंद करके इसको पीस लेंगे। इसको अच्छा सा स्मूथ पीस के तैयार कर लिया है, देखिए एकदम क्रीमी सा ये हमारा पीस के तैयार हो गया है। अब लेंगे एक डब्बा, कोई भी एयर टाइट डब्बा ले लीजिए आप, कोई भी प्लास्टिक का, कांच का, कोई भी ले लीजिए। मैं प्लास्टिक का ले रही हूँ और इसमें ये जो सारा हमने आइसक्रीम का बैटर पीस के तैयार किया है, सारा इसमें डाल देंगे। देखिए बहुत ही कम खर्चे में ये हमारी काफ़ी सारी आइसक्रीम घर पे बन के तैयार हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको सेट करके इसको हम 6 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। और 6 घंटे बाद इसको चेक करते हैं। देखिए आइसक्रीम अच्छे से हमारी, ढक्कन हटा के देखते हैं, आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है, जम गई है अच्छी तरह से। अब इसको निकाल के वापस जार में डालेंगे, सारी आइसक्रीम को स्पून से निकाल के डाल देंगे। इसको दोबारा हमें 30 सेकंड के लिए पीसना है, मतलब कि हल्का सा पल्स मोड पे इसको चलाना है 30 सेकंड के लिए। इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, जिससे कि इसमें
अच्छी सी एक एयर भर जाए और अच्छा सा फ्लॉपी सा बन जाए और क्रीमी सा इसमें टेक्सचर आ जाए। और फिर वापस से उसी डब्बे में हम ये सारा आइसक्रीम का बैटर डाल देंगे। देखिए ये सारा डाल दिया है इसमें, ये काफ़ी सारी होगी तो इसको मैं दो बार में पीसूँगी। ये दो बार में मैंने सारी आइसक्रीम को पल्स मोड पे चला लिया है। वापस से सारी आइसक्रीम को डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है। थोड़ी सी अगर आपको गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा दूध डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आइसक्रीम हमने डाल दी है। अब आम के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए। इसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। इससे क्या है, जब आइसक्रीम को आप किसी को सर्व करेंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जब कोई कोई चंक्स ये आम की आएगी, बहुत ही टेस्टी सी आइसक्रीम कम बजट में हमारी ये बनके तैयार हो जाएगी। और आम से पूरी आइसक्रीम को अब डेकोरेट कर दिया है। ये मैंने पिस्ता और बादाम की कतरन ली है, इसको भी इसके ऊपर से हम डाल देंगे। इससे क्या है, आइसक्रीम देखने में काफ़ी सुंदर लगेगी और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बिना भी आप बना सकते हैं, आपके पास है तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यह आइसक्रीम हमारी पूरी तरह से तैयार है जमने के लिए। अब लेंगे एक फॉइल पेपर। इससे क्या है, इसके डब्बे से थोड़े बड़े साइज में हमें ये फॉइल पेपर लेना है और चारों तरफ से अच्छी तरह से डब्बे को कवर कर देना है। वापस से इसके ऊपर हमें ढक्कन लगा देना है और इसको 12 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। इससे क्या है, इस पर आइस क्रिस्टल नहीं जमेंगे। देखिए कितनी बढ़िया ये आइसक्रीम एकदम बढ़िया क्रीमी जम के तैयार हो गई है, बढ़िया सेट हुई है हमारी आइसक्रीम। अब क्या करेंगे, इसको हम डब्बे से डीमोल्ड कर लेंगे, इसको डब्बे से निकाल लेंगे। और इसके मैं चाकू से पीस कट कर रही हूँ, आराम से ये कट हो रहे हैं। एकदम क्रीमी सी ये हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। आपको देखने से पता लग रहा होगा ये कितनी बढ़िया आइसक्रीम तैयार हुई है। बाज़ार से बहुत ही कम पैसे में, बहुत कम खर्चे में ये हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनके तैयार हुई है। बाज़ार में बहुत कम आइसक्रीम आती है इतने पैसे में। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ इसका कितना क्रीमी सा टेक्सचर है। एकदम बढ़िया हमारी स्मूथ सी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। अब इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे और एक प्लेट में इसको सर्व कर लेंगे। मैंने इसको पीस में कट कर लिया है और ये टेस्टी सी आइसक्रीम आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। बहुत कम सामान में हमने इस आइसक्रीम को बना के तैयार किया और बहुत ही कम समय में ये बन के तैयार हुई है और बहुत हाइजीनिक तरीके से हमने इसको घर पर बनाया है। आप इस आइसक्रीम को एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ही इजी रेसिपी है। 5 मिनट में ये आइसक्रीम बनके तैयार हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना है अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो। देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्स्चर है, एकदम क्रीमी सा। तो चलिए आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के।